खाने पीने वाला सामान इसका देखो टोटल इसमें, तो ये देखो यार खाने पीने वाला सामान कितना सारा अंदर पूरा भरा हुआ इसका खाने वाला, टोटल लेज कुरकुरे ये सब, इतना सारा खा जाओगी सोमू, खा जाओगी ना। ये वीवो V30 Pro है, सो ये वाला कैमरा, ये वाला फोन ना मेरे को बेस्ट लगा, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर अभी ना 44-45 डिग्री चल रहा है, बट बद्रीनाथ का टेम्परेचर माइनस में चल रही है, -4 डिग्री, तो सोचो यार कुल्फी जम जाएगी अपनी, इसीलिए अपन देखो सोम्या को इतना लेने के बाद भी कोई खुशी नहीं यार, अभी और लेना है क्या समू? नहीं नहीं, उस तरफ मेन रोड है ना, उस तरफ से अपन लोग को पीछे से भेजा गया, पुलिस वाले इधर भेजे, इधर लाइन में लगे, पता नहीं किस चीज का चेकिंग होगा, उसके बाद अपन लोग को छोड़ा जाएगा, क्योंकि 4 बजने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 12 से 2 के बीच में ना गंगा माता शांत होती है, तो उस टाइम गंगा जी का पानी को टच नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद 4 बजे यहाँ पे आरती होगा। ये देखो बहुत लोग तो भाई नहा के जा भी रहे हैं, और अपन लोग अभी जा रहे हैं नहाने के लिए, सोचो यार घाट के पास सोने में काफी ज्यादा मजा आता है यार, बहुत ही आनंद आता है, अपन लोग तो कभी सोए नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कभी टाइम मिले तो सोएंगे, बट इधर का धारा देखो ना तो काफी हेवी वाला तेज है, ठंड ठंड वाली हवा आती है, इसलिए सारे लोग देखो ओढ़ पोड़ के सोए हुए हैं, और इधर नहाने वाले लोग सारे लोग। तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस अभी अपन लोग ज्यादा इंट्रो ना देते हैं, अपन लोग अभी निकल रहे हैं, अपन लोग कार का सर्विसिंग से 4 बजे आए करवा के सारा कुछ, क्योंकि कल लिए थे तो उसने बोला कि यार एक दिन छोड़ दो तब जाके आपका बनेगी, भीड़ काफी ज्यादा थी, तो अपन लोग छोड़ दिए थे, 1 बजे का टाइम दिया था लेकिन 4 बजे कार हैंड ओवर किया, और अभी 6:30 हो रहा है, तो अभी अपन लोग निकल रहे हैं बद्रीनाथ का ट्रिप पे, तो आपको ना पहले अपन लोग कार दिखाते हैं, फिर आपको ट्रिप के बारे में सारा कुछ डिटेल में बताते हैं। देखो अभी कार का लुक देखो भाई, डिसेंट लुक हो गया, टायर एकदम न्यू, दोनों टायर न्यू हो गया, प्लस अभी का रीजन क्या है ना, इसका जो ये वाला टायर दिख रहा है ना, इसका रिम थोड़ा सा टेढ़ा है, बट इसको अपन लोग ट्रिप से आएंगे ना तो सारा कुछ सही कर देंगे, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी देखो अपना सामान क्या क्या, अभी अपन अभी सजाए नहीं है अपन लोग, इसमें थोड़ा सा उधर ज़्यादा ठंडा है ना, तो उसके लिए ये ले लिए थोड़ा बहुत, प्लस इसमें खाने पीने वाला पूरा उधर सामान है अपना बैग में, और मैं आपको डिक्की में भी दिखा रहा हूँ, तो ये मैं और फिर ये अपना डिक्की खोल रहा है, देखो इसमें देखो ये अपना ट्रॉली ना सारा जगह को खा चुका है इसके कारण, तो इसको अपन लोग पैक करेंगे मजे से, क्योंकि अभी तो सामान ऐसे ही ला के रखे है ना, तो अभी मेन पैकिंग बाकी है, प्लस इसमें देखो हाइकिंग शूज, टोटल हाइकिंग है, 4 जन जा रहे हैं तो 4 हाइकिंग शूज है, 4 पेयर मतलब टोटल 8 शूज है। सो गाइस अपन लोग दिल्ली टू बद्रीनाथ का ट्रिप कर रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट अपन लोग बद्रीनाथ की ओर जाएंगे, यहाँ का टेम्परेचर अभी ना 44-45 डिग्री चल रहा है, बट बद्रीनाथ का टेम्परेचर माइनस में चल रही है, -4 डिग्री, तो सोचो यार कुल्फी जम जाएगी अपनी, इसीलिए अपन लोग बहुत सारा सामान ले लिए, पहनने वाला खाने पीने वाला सारा कुछ, और फिर अपन लोग इतना दूर जा रहे हैं तो उसमें स्टे तो करना पड़ेगा ना, ब्रेक लेना पड़ेगा ना, तो इसके लिए अपन लोग टोटल 4 स्टॉपेज बनाए, पहला यहाँ से भी निकलेंगे 7 बजे के आसपास निकल जाएंगे, 7:45 हो चुका है तो 7 बजे निकल जाएंगे, तो यहाँ से अपन लोग पहले हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार में स्टे करेंगे, नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्टे करेंगे और फिर निकलेंगे आगे, आगे कहाँ का नाम मेरे को उतना याद नहीं आ रहा, क्योंकि अपन लोग लिख के रखे हैं सारा कुछ, तो टोटल 4 स्टॉपेज हैं, पहला यहाँ, फिर बीच में एक और, और फिर चौथा बद्रीनाथ, फिर वहाँ पर अपन लोग अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, घूमेंगे और फिर वापस लौटेंगे, तो इस वीडियो में काफ़ी एकदम मज़ा आने वाला, तो वीडियो को इन्जॉय करना गाइस, अभी अपन लोग कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट हरिद्वार की तरफ, तो लेट नाइट भी हो चुका है ना, पर 6 दिन का ट्रिप है तो सोच ही सकते हो, तो चलो अभी निकलते हैं। सुबह अभी फ्यूल भरा रहा है, इधर देखो मिरर में देखो, इधर की साइड दिख रहा है, फ्यूल ले रहा है अपन लोग पेट्रोल, और अभी 7 बज रहा है, टाइम कितना हो रहा है समूह दिखाना, तो भाई ये देखो अभी 7:20 हो रहा है, लेकिन अभी भी देखो ये उजाला पूरा है, तो दिल्ली में शायद 7:30 के आसपास अंधेरा होता है। ये मैडम को देखो भाई, सौम्या को, अरे मैडम कुछ बोल लो, खाने पीने वाला अपने पास, बेचारा देखो ये खाने पीने वाला, इसमें टोटल खाने वाला सामान है, ये देखो आवाज सुन रहा है, ये देखो सारा एकदम पकड़ के रखिए, प्लस ना अपना ये टेडी बियर को देखो, एक कछुआ को, इसको भी रखिए, देखो विश्वास नहीं हो रहा ना, ये देखो खाने पीने वाला सामान इसका, देखो टोटल इसमें खाने वाला, प्लस ये तो न्यू फोन का चार्जर है जिसमें अपन लोग टाइम दिखाए, तो ये देखो यार खाने पीने वाला सामान कितना सारा अंदर पूरा भरा हुआ इसका खाने वाला, टोटल लेज कुरकुरे ये सब, इतना सारा खा जाओगी सोमू, खा जाओगी ना, और ये न्यू फोन का चार्जर है।
सुबह अभी अपन लोग मेरठ वाला रूट में, मेरठ और हापुड़ वाला में। सो इधर जाम भी अभी काफी ज्यादा था, अभी थोड़ा बहुत फ्री हुए, बट उस लेन में चले जाएंगे ना तो अच्छा होगा, ज्यादा फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली लेन में थोड़ा जाम लग रही है। और नीचे की साइड देखो कितना भयानक जाम लग रहा है भाई। तो भाई अभी देखो जाम से निकल गए, ये वाली लाइन में आ गए, क्योंकि ये वाली लाइन में ऊपर देखो ना ऊपर क्या लिखा हुआ, 100 का स्पीड से चला सकते फोर व्हीलर ट्रक भाई, मतलब 80 से ऊपर नहीं जा सकता। प्लस उस लेन वाला देखो थोड़ा सा जाम मिलेगी उधर, बट इधर थोड़ा सा भी नहीं, प्लस उधर का लेन वापिस जाने वाला है। तो अभी तो अपन लोग ऐसे ही जा रहे हैं, जब भी कहीं किधर टर्न लो ना तो इंडिकेटर मार के देख रहो, इधर फोर लेन पे कहीं भी कोई टर्न लेता है ना तो इंडिकेटर मारता है, उसके बाद टर्न लेता है, लेन चेंज करता है तो वो सही होता है, नहीं तो भाई पीछे से काफी स्पीड में कार आती है ना तो समझ सकते हो क्या हो सकता है। इसीलिए भाई इंडिकेटर मार के ही कहीं भी चेंज करो लेन अपना। भाई देखो उधर का जाम यार, अभी जाम खुली है, बाकी हेवी वाला जाम उधर लग रहा था, बहुत ही हेवी वाला जाम, देखो आगे से खुल रही है, पीछे की साइड बहुत हेवी वाला जाम था। हमारा तो भाई पूरा लेन सही है, और मैं अभी 49 एक गियर डाउन करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वीडियो भी बना रहा है ना इसी कारण से। तो भाई देखो पिछला बार हम लोग गए थे ना हरिद्वार, तो भाई इधर इतना कुआ था ना, ये टोल टैक्स पीछे है ना, यहीं पे इतना ज्यादा फॉग था ना, इतना ज्यादा ना कि अपन लोग इधर ही कहीं पे रुक गए थे, स्टे किए थे। उसके बाद यहाँ से सुबह 6 बजे निकले थे, और फिर बहुत ही स्पीड निकले थे, और तकरीबन में भी 9 बजे के आसपास पहुंच गए थे हरिद्वार। और अभी देखो 9 बजने वाला है, तो यहाँ से कितना टाइम लगता है हरिद्वार पहुंचने में ये तो भाई समय ही बताएगा, क्योंकि अपन लोग ना मैक्सिमम मान के चलना तो 70-80 उससे ज्यादा स्पीड नहीं लेके जा रहे हैं। तो फाइनली भाई अभी अपन लोग पहुंचे तो नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके हैं। देख रहे हो सामने की साइड जैन सिकन जी, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो अभी अपन लोग बाईपास पे, लाइक यहाँ से तकरीबन ज़्यादा दूर भी नहीं होगा, हाँ मानो तो 150 किलोमीटर के आसपास होगा। ये देखो कितना बिजी हाईवे है, तो यहाँ से अपने को 150-200 किलोमीटर और पड़ेगा। तो अभी अपन लोग पहले खा लेते हैं, क्योंकि भाई मतलब 9 बज चुका, 9:30 होने को है, तो खाना खाएंगे तब तो जाएंगे ना, इसीलिए अपन लोग कार से निकल गए और अभी खाना खाएंगे। सोमे देखो भूख के मारे कैसे बैठी है, क्या खाएगा सोमू? चिप्स खाएगी भाई, खाना खाने के लिए लोग बोलते हैं चिप्स खाएगी, बताओ अपना बैग में सारा कुछ रखी है। अपन लोग देखो कीर्तन सुन रहे थे बजरंगबली का, क्योंकि भाई मैं बजरंगबली का पूजा करता हूँ, प्लस गणेश भगवान का ज़्यादा पूजा करता हूँ, तो इसलिए अपन लोग बजरंगबली का कार में अपन लोग सेट करके सुन रहे थे ये वाली कीर्तन, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो भाई एक बार फिर से अपना स्टॉपेज आ चुका है, तो अभी अपन लोग यहाँ पर रुके थे, और समय देखो अभी यहाँ से इतना कुछ और लिए, खाने में तो भाई बहुत ही रहीसी है सौम्या का इतना लेज कुरकुरे और ले लिया। अब लोग यहाँ पे रुके थे, इसी खिलाएगी खिलाएगी ना सोमू? ठीक है, ये अपना हाईवे फुल्ली बिजी है भाई, ये देखो सौम्या को इतना लेने के बाद भी कोई खुशी नहीं यार, अभी और लेना है क्या सोमू? नहीं, पीठ वाला बैग पूरा भरा हुआ है इसका, ये वाली बैग तो पूरा भरा हुआ है, प्लस और भी ले लिया, इतना क्या करेगी सोमी तुम? चलो अच्छा, मेरे को भी खिलाएगी इसी बहाने। सुबह हम लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे देखो अभी चेकिंग हो रहा है, उस तरफ मेन रोड है ना, उस तरफ से अपन लोग को पीछे से भेजा गया, पुलिस वाले इधर भेजे, इधर लाइन में लगे, पता नहीं किस चीज का चेकिंग होगा, उसके बाद अपन लोग को छोड़ा जाएगा। वहाँ पे चेकिंग हो रहा है, उधर देख रहा चेक पोस्ट, ये थोड़ी है यहाँ पे चेकिंग, सारे लोग लाइन में तो लगे हुए है, देखते है क्या क्या चेकिंग होता है भाई, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा ना क्या क्या चीज चेकिंग हो रहा है। धार्मिक स्थल है तो शायद मे बी न्यू रूल, हमसे तो सारे आगे आगे निकल रहे हैं भाई, लाइन से तो कोई आ ही नहीं रहा यार, ये तो ऐसा ऐसा क्यों जबरदस्ती का, देखो चारों तरफ से कैसे घुसा रहा है। ये देखो इधर चेकिंग है, यहाँ सामने की साइड पुलिस वाले है, वही ये देखो यहाँ पे चेकिंग है, दिख रहा है वहाँ पे पुलिस बैठे हैं, तो भी देखते हैं चेकिंग क्या होता है। सुबह यहाँ पे चेकिंग हुआ, एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद भाई मतलब बोल रहे हैं हरिद्वार तक ही जाना, बद्रीनाथ जाने के लिए नहीं मिलेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो भी देखते हैं क्या सीन होता है भाई। सो फाइनली भाई अभी अपन लोग पहुंच गए हरिद्वार, और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है,
मतलब 1:30 ये अपना फोर व्हीलर लगा हुआ, इधर और भी फोर व्हीलर प्लस उधर उधर सारा जगह लगा हुआ, और अपने को एक कार्ड भी मिला। तो अपन लोग हरिद्वार एंट्री में ही ना, जो जहाँ पे मैंने पुलिस को दिखाया था अभी कुछ देर पहले ही, वहाँ पे अपना नाम, गाड़ी का नंबर ये सब मेंशन किया गया, और फिर वहाँ से बोला गया आप लोग ऋषिकेश नहीं जा सकते हो, मतलब ऋषिकेश के रूट से आगे आप नहीं जा सकते हो, हरिद्वार में स्टे करना पड़ेगा। हमने बोला चलो ठीक है स्टे कर लेंगे। और ये देखो अपना शंकर भगवान, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। फिर हमने बोला बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला आपका बुकिंग नहीं होगा तो आप बद्रीनाथ नहीं जाओगे। बट हमारा बात हुआ है वहाँ पे कि बद्रीनाथ का भी बुकिंग नहीं चल रहा है, कोई भी बुकिंग नहीं, आप आराम से आ सकते हो, लेकिन नाइट का टाइम में आपको प्रॉब्लम करेगी। तो इसी कारण से अपन लोग सुबह निकलेंगे आराम से। भाई अभी अपन लोग फोर व्हीलर में है, मैं और सौम्या, क्योंकि 4 बजने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 12 से 2 के बीच में ना गंगा माता शांत होती है, तो उस टाइम गंगा जी का पानी को टच नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद 4 बजे यहाँ पे आरती होगा, तो अपन लोग 4 बजे का आरती देखेंगे और उसके बाद नहाएंगे, क्योंकि अपन लोग डेली सुबह का सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो नहाने के बाद अपन लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके बाद अपन लोग यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि अपन लोग जब तक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते ना, तब तक कुछ खाते नहीं है उससे पहले, तो नहाना जरूरी है। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पूजा करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट, उसके बाद कंटिन्यू चलते जाएंगे गाइज ऋषिकेश के पास। वहाँ पे जाना अपने को, यहाँ से तकरीबन नहीं भी मानो ना तो 1-2 घंटे का रास्ता। और सौम्या का देखो भाई सौम्या काफी प्यारी लग रही है यार, कुछ भी बोलो, मतलब बहुत प्यारी है। ये देखो ये न्यू वाला फोन है, न्यू वाला फोन दिखाना सम्मो, फोन दिखाना, ये देखो ये वाली न्यू फोन है, ये देखो ऑरा लाइट इसको बोलते हैं ना, वही वाली है। तो चलो आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं अपन लोग 4 बजे से। अभी अपन लोग थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टूर है भाई, तो समझ रहे हो ना, अभी होटल इस टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि 2 बजने वाला है। सो फाइनली भाई देख रहे हो बाबा को सामान बेच रहे, ऐसे ही सो गए। अपना कार यहाँ पे लग चुका है, लाइक ये अपना कार है, और अभी अपन लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। तो अभी अपन लोग यहाँ से जाते हैं, नहाएंगे, और फिर इधर से ही, इधर लोकल वाले लोग से कुछ पता चला, मैं भी आपको बताता हूँ क्या पता चला है। सो अभी अपन लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, और फिर यहाँ के कुछ लोग बोले कि अभी नहा लो, क्योंकि 7 बजे तक ऋषिकेश में जो वाटरफॉल है ना, कुछ नाम है, मेरे को नाम उतना याद नहीं आ रहा, वहाँ पे जाना है, और फिर वहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ पे अपने को नहानी है। तो यहाँ पे भी अपन लोग पहले नहाते हैं, फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और फिर यहाँ से निकलेंगे 5 बजे के आसपास, ताकि 1-2 घंटे में अपन लोग ऋषिकेश पहुँच जाएँ, और फिर वहाँ भी नहा लें, और फिर वहाँ का नज़ारा आपको दिखा दें, क्योंकि वहाँ भी स्टे करनी है ना, तो समझ सकते हो। तो अभी चलते हैं, जल्दी से नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और फिर निकलते हैं। तो अपन लोग नीर वाटरफॉल में नहाएंगे, जो कि ऋषिकेश में है, और गुच्चू गुफा अपन लोग घूमेंगे। देखो सुबह सुबह का मार्केट 4 बजे का, समझ रहे हो, अपना आँख लग गया था यार, मेरे को आँख खुला ही नहीं, ये देख रहा हूँ इसी टाइम से खुल गया, प्लस भीड़ यार, कार जैसे तैसे लोग लगा दिए ना, तो पार्किंग करने में बन नहीं रहा था, बट फिर भी अपन लोग जबरदस्ती है भाई, अपन लोग मतलब समझते हो ना हम कितना जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती पार्किंग में लगा दिए भाई। ये देखो बहुत लोग तो भाई नहा के जा भी रहे हैं, और अपन लोग अभी जा रहे हैं नहाने के लिए, सोचो यार, तो अपना भाई मतलब कितना टाइम वेस्ट कर दिए, सोचो यहाँ पे पहले आने के बाद भी। ये देखो अपना भोले बाबा पीछे के साइड से, और ये सारे लोग नहा के ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और इधर देखो इससे पहले वाला भी वीडियो मैंने आपको दिखाया था ना, बट इस तरफ से अपन लोग पिछले वाले वीडियो में नहीं आए थे। भाई धारा देख रहे हो, काफ़ी तेज वाला धारा यार, पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, और अपने को ठंड से एलर्जी भी है, बट फिर भी यार आए तो नहाना तो पड़ेगा ना। ये शंकर भगवान को देखो, सामने के साइड से आते ना तो मज़ा आ जाता फिर। ये ऊपर के साइड से भाई देखो पहाड़ी एरिया, ऊपर से ऊपर ऊपर घर मंदिर और ऊपर पहाड़, भाई काफ़ी मस्त लग रहा है यार, एकदम प्यारा। सामने की साइड देखो मेन मंदिर भाई, वहाँ पे भीड़, सारे लोग इधर ही सोए पड़े हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं और बाकी लोग सोए पड़े हुए हैं यहीं पे। ये देखो देख रहा, देखो कितने लोग सोए हुए हैं,
बट सही है यार, मतलब घाट के पास सोने में काफी ज्यादा मजा आता है यार, बहुत ही आनंद आता है। अपन लोग तो कभी सोए नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कभी टाइम मिले तो सोएंगे। बट इधर का धारा देखो ना तो काफी हेवी वाला तेज है इस तरफ, तो इस तरफ ना नहा के अपन लोग उस तरफ नहाएंगे, उस तरफ भी धारा तेज है। बट फिर भी नहाना तो है ही ना, ठंडा तो काफी ज्यादा हेवी होता है यार अभी। ये देखो इधर भी खुला हुआ गंगा जल लेके जाने का, और प्लस सारे लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, देख रहे हो कितना ज्यादा क्राउड है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। प्लस इधर ज्यादा आज धारा बहुत ज्यादा अभी का ज्यादा है, प्लस सारे लोग सो रहे हैं अभी तो। और उधर के साइड मंदिर देखो, देख रहे हो मंदिर उधर, तो भाई ये सारे लोग तो सो रहे हैं अभी। अपन लोग कैसे क्या करें पता नहीं चल रहा, बट पहले नहाते उसके बाद देखते क्या सीन होता है। अभी देख रहे हो कितने सारे लोग सो रहे हैं यहाँ पे। ओ भाई ये लोग मतलब मे बी 6 या 7 बजे ये लोग नहाएंगे, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा ठंड लग रही है ना, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ठंड वाली हवा आती है, इसीलिए सारे लोग देखो ओढ़ पोड़ के सोए हुए हैं। और इधर नहाने वाले लोग सारे लोग, तो अभी तो पहुंच गए और अभी नहाने का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। जगह अपन लोग देख लिए, इधर ही नहाएंगे पीछे के साइड, तो अभी पहले नहाते हैं। बाकी यहाँ पे तो बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, क्योंकि दूर दूर से आते ना तो थक जाते तो सो जाते, और सुबह के टाइम 6-7 बजे नहाते, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। अभी थोड़ा सा ठंड वाली हवा चल रही है ना, तो इस टाइम पानी भी ठंडा प्लस मौसम भी ठंड, तो थोड़ा सा ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए शायद नहीं नहा रहे। बट अपन लोग तो इसी टाइम नहाएंगे, क्योंकि अपने को भोले बाबा से बहुत प्यार है भाई, तो जय श्री राम का। जब भी चलते जल्दी से नहाने के लिए। ये भाई ये देखो सारे लोग नहा रहे हैं भाई, स्विमिंग सारे लोग भी कर रहे हैं। अपने को भी स्विमिंग करने का मन है, बट अभी अपन लोग थोड़ा सा रुक के स्नान करेंगे, क्योंकि समझ रहे हो ना भाई, जब पूजा पाठ करेंगे नहीं तो फिर क्यों नहाने के लिए आएंगे, समझ रहे हो। इसको देखो भाई, अरे लहर के साथ ही बहाव में बह जाओगे यार, ऐसा मत करो यार, इतना तेज लहर है ना। देखो कुछ लोग तो वहां से ना क्रॉस करने के लिए सोचते हैं, तो यहां से जंप लगाते हैं और फिर डायरेक्ट वहां पे निकलते हैं क्रॉस होके, तो ऐसा होता है। लेकिन उधर से आने वक्त ना फट जाती होगी, तो समझ रहे हो। उधर श्री गंगा सभा भाई, मतलब व्यू तो काफी मस्त आ रहा है यार, हरिद्वार भाई। सुबह अभी अपन लोग नहा लिए, पूजा पाठ कर लिए, और अभी अपन लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि यहाँ से नहीं भी तो तकरीबन 2 घंटे तो लगेंगे, 1 से 2 घंटे, तो अपन लोग 7-8 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे। सो अपन लोग नहाए, बस एक चीज़ का कमी रह गया, इधर अपन लोग ब्रश नहीं किए। बट फिर भी यार मन में श्रद्धा हो तो ब्रश करो या ना करो, स्नान करके पूजा पाठ कर लो काफ़ी होता है, तो अपन लोग रास्ते में ही ब्रश कर लेंगे कहीं पर ऋषिकेश पहुँचते और फिर वहाँ भी वाटरफॉल में नहाएंगे और आप लोग को इन्जॉय करवाएंगे। तो सोच रहा अभी यहाँ पे वीडियो को एंड करेगा इस, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप लोग रेडी हो या नहीं हो ये कमेंट करके बताना, और अपन लोग तो रेडी हैं आपको नेक्स्ट ट्रिप दिखाने के लिए। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। और फिर ये अपना बजरंगबली का गद्दा, सो बाय बाय।